है शो दैट द राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवेन सरफेस एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बेस। हमें ये प्रूव करना है कि जो एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, राइट सर्कुलर सिलेंडर जिसका हमें सरफेस एरिया हमको गिवेन है, ठीक, और वो ये बोल रहा है कि उसका वॉल्यूम मैक्सिमम तभी होगा जब वो इस कंडीशन को फॉलो करता है कि उसकी जो हाइट है वो डायमीटर के इक्वल होगी। ये कंडीशन अगर फॉलो करता है उसी केस में उसका क्या होगा, वॉल्यूम मैक्सिमम होगा। तो देखिए ये इसकी रेडियस आर हो गई, ठीक है, और हाइट हमने मान ली है एच, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो सरफेस एरिया होता है वो क्या होता है, देखिए जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच प्लस टू पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहां से h की वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए 2 पाई आर एच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से h की वैल्यू हो जाएगी s माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर, ओके, ठीक। ये कंडीशन हमारी आ गई है, h को हमने s और r के टर्म में लिख लिया है। अब देखिए जो हमारा वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम हमें क्या गिवेन होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ओके। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, h की वैल्यू हम लिखेंगे h माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में हमारा क्या है 2 पाई आर, ओके। तो देखिए यहां पर r से एक r कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। अब देखिए वॉल्यूम हमारा हो जाएगा और ये हो जाएगा h बाई 2 माइनस, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो यहां पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, v इज इक्वल टू हो जाएगा h बाई 2 आर माइनस पाई आर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम को मैक्सिमाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको रेडियस के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो क्या करेंगे, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू आर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, डीवी अपॉन डी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी ये एस है, अरे बाप रे, ये एस है, ठीक, और ये भी हमारा क्या है, ये एस है, ठीक। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा एस बाई 2 माइनस, और ये क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब मैक्सिमाइज अगर करना है तो डीवी, डीवी अपॉन डी आर हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहां से देखिए क्या आ जाएगा, s बाई 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, s बाई 2 इज इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 पाई आर स्क्वायर। ये कंडीशन हमें मिल जाएगी, ठीक है। s इज इक्वल टू आ चुका है 6 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए यहां से हम आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं s अपॉन 6 पाई, ओके। तो यहां से रेडियस क्या हो जाएगी, अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ठीक है। अब देखिए r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 6 पाई, ये हमारा मैक्सिमा है या मिनिमा है, इसके लिए हमें क्या करेंगे, नाउ अगेन ठीक इसे इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग
डीवी अपॉन डी आर विद रेस्पेक्ट टू आर। ओके, तो यहां से डी टू वी अपॉन डी आर टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये तो जीरो हो जाएगा, माइनस सिक्स पाई आर, क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। अब देखिए यहां से पे अगर हम डी टू वी अपॉन डी आर टू में अगर माइनस सिक्स पाई और रेडियस की वैल्यू अगर हम ये रखते हैं एस अपॉन सिक्स पाई, ठीक है, तो ये क्वांटिटी कैसी होगी, ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव होगी, ठीक है, लेस देन जीरो, ठीक है। हेंस एक्स इज सॉरी आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। ओके, ठीक, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एस अपॉन सिक्स पाई हमारा क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हो गया, ठीक। तो अब देखिए हमारी सरफेस एरिया की जो कंडीशन थी एस इज इक्वल टू टू पाई आर एच प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस टू पाई आर स्क्वायर। ओके, तो देखिए अब यहां से हमने एस इज इक्वल टू हमने क्या निकाला, सिक्स पाई आर स्क्वायर, तो ये यहां पर रख देंगे, तो सिक्स पाई आर इज स्क्वायर इज इक्वल टू टू पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। अब देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से एक आर कट जाएगा, ठीक है, 2 से 4 कटेगा तो क्या आ जाएगा, 2, ठीक है, तो यहां से हाइट इज इक्वल टू क्या हो गया, 2 आर, यानी 2 टाइम्स ऑफ रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है, डायमीटर, ठीक। तो ये बात हमारी यहां पर प्रूफ प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो यहां से हम कह सकते हैं हेंस मैक्सिमम एरिया विल अकर व्हेन हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ बेस, बस यही बात हमें यहां पर प्रूव करनी थी।